जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, चंद्रयान का परिणाम वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, परंतु यह कहना भी गलत होगा कि हमारा जो मिशन था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। गलत है ये कहना, क्योंकि जो कम्युनिकेशन टूटा वो केवल 2.1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। और यह एक मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक स्टेप है, और फ्यूचर का जो हमारे चंद्रयान 3 होगा, हमारा गगनयान होगा, उसकी सक्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और चंद्रयान 2 के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यदि किसी को जाता है तो वह जाता है जो परिश्रम हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने किया, वो बधाई के पात्र हैं, वो सारा राष्ट्र उनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, आज हम एज कटिंग टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस बना चुके हैं। हमारी स्वरचित जो तकनीक है उससे हम चंद्रमा के सरफेस तक पहुंच गए। हमने लैंडिंग कर ली, ठीक है, कम्युनिकेशन उसमें टूटा, अगली बार वो भी ठीक होगा। लेकिन इस मिशन से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। देखिए, 1000 करोड़ रुपए का ये मिशन था, और यदि आप आर्थिक रूप से देखें तो एक हॉलीवुड की बड़ी मूवी बनने में इतना पैसा लग जाता है, तो भारत ने एक चीज प्रदर्शित कर दी कि इतने कम बजट में भी हम चंद्रमा तक जा सकते हैं। दूसरा, जो हल्के सैटेलाइट्स, कम वजन के सैटेलाइट भेजने का हमने एक तकनीक डेवलप कर ली है, ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्यों है कि हम हल्के सैटेलाइट, कम वजन के सैटेलाइट जब भेजते हैं तो हम उसमें ईंधन ज़्यादा भेज सकते हैं साथ में। अब जितना ईंधन होगा वो इतनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। दूसरा, कम समय में हमने सैटेलाइट भेजने में एक महारत हासिल कर ली है, और हम कुछ ही दिनों के अंदर सैटेलाइट, छोटे साइज का छोटे सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो जो जिसको कहते हैं कि जो स्पेस वॉर्स होती है उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो सारा का सारा जीवन हमारा, या यूं कहूं कि जो मॉडर्न हमारी लाइफ है, वो निर्भर कर रही है टेक्नोलॉजी पर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर। चाहे हमारी मिलिट्री हो, चाहे हमारा कम्युनिकेशन हो, चाहे हमारा टेलीविजन हो, यह सब निर्भर करता है सैटेलाइट पर। और स्पेस वॉर में यदि किसी कंट्री ने हमारा सैटेलाइट गिरा दिया, या किसी नेचुरल कॉज की वजह से वो खराब हो गया, तो हम नवीन सैटेलाइट कुछ ही समय में भेज सकते हैं। इस पर भी हमने महारत हासिल कर ली है। दो और चीजें हैं जिसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वे बधाई के पात्र हैं। एक तो अब वो समय गया कि जब हम सैटेलाइट लॉन्च करने की सक्सेस पर हर्षोल्लास करते थे, अब हम उससे काफी आगे निकल चुके हैं। उसके बाद दूसरी स्टेप आई कि हम मल्टीपल सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने पर हर्षोल्लास करने लगे। अब हम दूसरे जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मून हो या वो मंगल हो, उस पर लैंड करने पर, उसकी सक्सेस के ऊपर और उसमें जो हम सीखते हैं उस पर हर्षोल्लासित होने लगे हैं। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात है। एक और जो जिस चीज़ के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ हमारे वैज्ञानिकों को, कि आज राष्ट्र जागा है पूरी रात, किसी क्रिकेट मैच के लिए नहीं, एक वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए। और आप इसका अर्थ निकालें, कितना बड़ा अर्थ है और कहाँ लेके जाता है हमको, हमारी तकनीक को, हमारी पढ़ाई लिखाई को, हमारे दृष्टिकोण को। तो मैं यही कहूंगा कि हम अपने साइंटिस्ट के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जय हिंद।